मज़ा जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हुसैनी लेक के बारे में मैंने देखा नहीं ज़्यादा। माशाल्लाह दूर से ही देख के पाकिस्तान का जो झंडा है ना, वो तो दिल खुश हो जाता है। बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि इतना गंदा ऑफ रोड था आते हुए जो है ना। बात आसान सी समझ में आने वाली है कि अगर कोई इस जगह की वीडियोस नहीं है, लोग नहीं आते, तो कोई वजह है। ओके सर, तक हमें गाइड करेगा और उसके चार्जेस देंगे। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, एक थोड़ा सा लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट भी हो जाती है। अब ये है कि एक और जगह जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हुसैनी लेक के बारे में मैंने देखा नहीं ज़्यादा नेट पे, तो अब चलते हैं खामोश आबशार से। नेक्स्ट इसी के करीब ही है, ये जो खामोश आबशार आ रही है ये ऊपर हुसैनी लेक से आ रही है, तो उसकी तरफ चलते हैं। और ये लेफ्ट साइड राइट साइड में मेरे दरिया है जो इंडिया में लद्दाख से आ रहा है। फिरोजी रंग का, अच्छा ये सारा साल फिरोजी रंग का नहीं होता, आमतौर पे ये सर्दियों में ये फिरोजी रंग का हो जाता है, गर्मियों में क्योंकि ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, मट्टी वगैरह और वो सारा कुछ काफ़ी आ जाता है, तो उस वक्त इसका रंग काफ़ी गंदला सा होता है। तो अभी आजकल ये इसका रंग ऐसे जा रही है। यहाँ से हमने मुड़ना है, असल में गियर जो है ना,
लिए मैं ले बैठता हूँ, बाद में जाके जो है ना अंदाज़ा होता है कि यार काम कुछ ज़्यादा है। चढ़ाइयाँ जो है ना इसकी वो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, अल्लाह खैर करे। अरे लगेज जो है ना वो इतना ज़्यादा हुसैनी लेक का रास्ता यही है जी। हुसैनी लेक जी, जी। किस तरफ जाना है, इस तरफ या इस तरफ? सीधा। अच्छा, वो एक और मोटरसाइकिल वाला अभी गुजरा है, वो ऊपर चला गया। अच्छा अच्छा, सही। कितना दूर रह गया? आधे घंटे में लेक तक। चले पत्थर हैं।
तेज है, टायर को जाना ही है, स्लिप करा रहे हैं।
रहा है जिस तरह आप किसी पंजाब में किसी गांव में अंदर ही अंदर जा रहे हो। खैर अब तो काफ़ी हद तक गाँव में भी सड़कें बन गई हैं, लेकिन पुराने मुझे याद है बचपन के टाइम पे जब हम गाँव में जाते थे वहाँ पे ये सिलसिला होता था। सर डाल लेते हैं यहाँ से, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हुसैनी लेक का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पेट्रोल